हमारे इस पूरे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है बताइए। आपके शरीर में चीजें ना, आंख ना, कान, उससे हाथ पैर, तो सबसे जरूरी चीज क्या है आपके शरीर में? हृदय। ये सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। अब ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 मिनट के अंदर हम एक ऐसे प्रसंग में प्रवेश करने जा रहे हैं जिसको श्रीमद् भागवत का हृदय कहा जाता है। और ये ऐसा प्रसंग है कि कितने ज्ञानी जन इस 7 दिनों में सिर्फ इस प्रसंग को सुनने आते हैं कि जो कथा कर रहे हैं वो ये प्रसंग कैसा करते हैं, उस हिसाब से वो समझ जाते पूरी कथा कैसी हुई हो। ये ऐसा प्रसंग है, लेकिन उसके लिए एक प्रार्थना है क्योंकि ये बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। इस प्रसंग में जितना प्रेम है उतना प्रेम इस पूरी कथा में किसी प्रसंग में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। लेकिन इस कथा को कहने के लिए मुझे एकाग्रता चाहिए, तो कुछ देर के लिए आना जाना, बातें, ये सब बंद हो जाए। ज्यादा से ज्यादा ये आधे घंटे का प्रसंग होगा, तो वो कुछ देर आप सभी से निवेदन है बिल्कुल आना जाना और बातें बंद कर दे। और ये मैं इसीलिए कह रही हूं, अगर आप अच्छे से सुनना चाहते हैं तो, नहीं तो देखिए ध्यान भटकेगा तो वो भाव नहीं रहेंगे, और भाव नहीं रहेंगे तो बस कथा को छूते हुए निकल जाएंगे। तो आपके लिए, अगर आपको अच्छे से सुनना है तो आपको मुझे एकाग्रता देनी पड़ेगी, क्योंकि इस प्रसंग में सिर्फ कहने से नहीं चलेगा, आपको ही आनंद नहीं आएगा, वरना मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रसंग में भाव होने चाहिए। तो आइए 5-7 मिनट का समय और देते हैं हम आपको, आपको अगर कोई जरूरी बात करनी हो, आना जाना तो वो कर ले, उसके बाद सभी से निवेदन है बिल्कुल बंद कर दे आना जाना, एकदम भी नहीं, सिर्फ आधी घंटे के लिए। यहाँ पर भगवान अपने माता पिता को कारागार से बाहर निकालते हैं, उग्रसेन जी को बाहर निकलते हैं, उग्रसेन जी को राज सिंहासन पर बैठाया जाता है, कुछ समय तक वो वहीं रहते हैं, फिर वसुदेव जी ठाकुर जी को गुरुकुल भेज दिया। 1 वर्ष के लिए भगवान भी गुरुकुल गए थे। गुरुकुल में उनकी भेंट होती है सुदामा जी से। एक बार शाम को दोनों को बड़ी जोर की भूख लगी थी, गुरु माता से कहते, गुरु माता ने कहा लकड़ियां तो खत्म हो गई, काम करो कुछ लकड़ियां काट कर ले आओ, तब तक मैं रसोई की तैयारी कर देती हूँ, लेकिन अगर ज्यादा ही भूख लग जाए तो ये कुछ चने दे रही हूँ, ये दोनों मिल बांट कर खा लेना। दोनों लकड़ियां काट कर वापस लौट रहे थे कि तेज वर्षा होती है, दोनों एक एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। अब सुदामा जी को भूख लगती है, सुदामा जी चने खाने लगते हैं, अपने हिस्से के खा लेते हैं, फिर सोचते थोड़ा सा और ले लूंगा तो क्या पता चलेगा, ये थोड़ा थोड़ा करते करते पूरे ही चने खत्म कर देते। सुबह दोनों पेड़ से नीचे उतरते, भगवान ने कहा बड़ी जोर की भूख लगी, जरा वो चने देना। बैठे बैठे पूरा दृश्य देख लिया गुरुकुल में बैठे बैठे, तो गुरु जी ने अपनी पत्नी से कहा कि आज सुदामा ने अपने जीवन में दरिद्रता लिख ली। दरिद्रता यानी गरीबी। जब आप किसी और का हक मारते हैं, और वो हक कोई कुछ भी हो सकता है, चाहे भोजन में हो, किसी और का हक का खाना हमने खा लिया, भोजन हो, खुशियां हो, पैसे हो, स्थान हो,
कि वो पदवी किसी और की आपने चोरी से ली है। आज ना कल, एक साल बाद, दो साल बाद, पांच साल बाद, दस साल बाद, बीस साल बाद परिणाम तो मिलेगा, परिणाम जरूर मिलेगा। और वो परिणाम होता है दरिद्रता। सुदामा जी को तुरंत थोड़ी मिला था, गुरुकुल के बाद घर चले गए, थोड़े बड़े होते हैं, शादी होती है, बच्चे होते हैं, तब जाकर उनके घर में गरीबी आती है। और ऐसी गरीबी आती है कि उनके बच्चों को खाने के लिए अन्न का दाना नहीं मिल रहा, इतनी दरिद्रता आती है उनके घर पर। किसी का हक मारना बहुत गलत है। एक वर्ष हो गया, सब अपने अपने घर चले गए। आइए अब हम उस प्रसंग में प्रवेश कर रहे हैं। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान मथुरा वापस आते हैं, उनको राज सिंहासन दिया जाता है। वृंदावन में भगवान 10 वर्ष 8 महीने रहते हैं, उसके बाद मथुरा आ गए। मथुरा के बाद 1 वर्ष गुरुकुल गए, वापस आकर राज सिंहासन पर बैठे हैं। भगवान राजकाज के कार्य संभालते थे। शाम के समय अपने कमरे में आते, उनके कमरे में बड़ी सी खिड़की थी। कई घरों में ऐसा होता है ना, खिड़कियां हो या छत पर से पूरा शहर दिखता है, कईयों के घर ऐसे होते। तो उनकी खिड़की से यमुना नदी का तट दिखता था, वृंदावन का तट। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि जिनके बच्चे मान लीजिए बाहर पढ़ते हैं, या पति पत्नी अलग अलग कार्य कर रहे हैं, कभी कभी मिलते हैं, तो ऐसे तो हम उनको हमेशा याद करते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत याद आती है, इतनी याद कि आज वो दिख जाए। उस समय सिर्फ मिलने का मन करता है, इतनी याद आती है। एक दिन भगवान राजकाज संभालने के बाद खिड़की पर खड़े हैं। आज भगवान के लिए वही दिन था, उनको वृंदावन की बहुत याद आ रही है। नंद बाबा, यशोदा मैया, गोपियां, राधा जी, सबकी बहुत ज्यादा याद आ रही है। आज वो खिड़की पे खड़े होकर बस इतना देख रहे हैं, आज कोई दिख जाए, कोई तो आज यमुना नदी के तट पर आ जाए, एक भी दिख जाए मुझे आज कोई। भगवान बहुत याद करते थे वृंदावन को, कई बार याद करके रोते थे। उनके साथ वहां पर रहते थे उनके अतरंग सखा। अतरंग सखा माने बेस्ट फ्रेंड, सबसे अच्छा दोस्त, मतलब उससे ज्यादा करीबी और कोई दोस्त नहीं है आपका। उसको आपके बारे में सब पता है, आपको उसके बारे में सब पता है। वो आप जैसा है, आप जैसे एक जैसी सोच के हैं, इतनी इतनी ज्यादा मित्रता। तो भगवान के अतरंग सखा कौन थे पता है आपको? भगवान के अतरंग सखा थे उद्धव जी। सबसे प्यारे मित्र थे वो भगवान के, और मित्र होने के साथ साथ वो बिल्कुल भगवान जैसे थे। रूप रंग चाल ढाल वो बिल्कुल भगवान जैसे दिखते थे। ज्ञान ज्ञान उन्हें देवताओं के गुरु बृहस्पति जी से प्राप्त किया था, महाज्ञानी। सिर्फ एक चीज की कमी थी उन्हें। कैसी कमी? उद्धव जी ज्ञान से ऊपर किसी चीज को समझते नहीं थे। उनके लिए दुनिया में सबसे ऊपर ज्ञान था, लेकिन भगवान को पता था कि ज्ञान से ऊपर भी कुछ है, और वो है प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, बिना स्वार्थ के किया हुआ प्रेम। उद्धव जी नहीं मानते थे, तो भगवान कोशिशें कर रहे थे कि कैसे इसको प्रेम तत्व का ज्ञान कराया जाए, पर उनको मौका नहीं मिल रहा था। अब इस दिन भगवान खिड़की पर खड़े हैं, देख रहे हैं कोई दिख जाए। अचानक अब इतनी याद आ रही है कि एक लीला होती है, उसी यमुना नदी के तट के सामने से कुछ ग्वाल बाल जा रहे थे। भगवान को समय हो गया, तो नए ग्वाल बाल भी आ गए हैं, नए ग्वाले आ गए हैं, तो वो गैया चलाकर घर लौट रहे थे। भगवान कहते, अरे ये तो वही समय है जब मैं, श्रीदामा, मुदमंगल, मधुमंगल सब गैया चरा कर घर लौटते थे, ये निश्चय वही समय। और ऐसा यादों का भाव उठा कि एक बार के लिए भगवान भूल गए कि वो कहाँ बैठे हैं। जोर से चिल्लाने लगे, अरे श्रीदामा रुको, मैं भी आ रहा, अरे मुदमंगल जल्दी चलो, आज बड़ी देर हो गई, आज गैया चराते चराते रात बीत गई। मैया बहुत चिल्लाई,
उन्हें ऐसा लग रहा है वो वृंदावन में है, और जब ध्यान भटकता है तो लीला अदृश्य हो जाती है। भगवान जोर जोर से रोने लग जाते हैं, इतनी जोर से हिचकियां बन गई है उन्हें। अब वो आवाज सुनकर उद्धव जी आते हैं, वो बगल के कमरे में बैठे थे, भगवान को हृदय से लगा लेते हैं। भगवान आप रो रहे हैं? भगवान कहते मुझे वृंदावन की बहुत याद आती है, मुझे मेरी यशोदा मैया की बहुत याद आती है। अरे उद्धव, यशोदा मैया जैसी मैया युगो युगो तक किसी को नहीं मिलेगी। अरे मैं जब तक उनके पास रहा मैंने उनको एक सुख नहीं दिया, मैं जब तक उनके पास रहा उन्हें सिर्फ उल्हाने सुनने को मिले, शिकायतें सुनने को मिली। जो आता उनके द्वार पर एक ही बात कहता, तुम्हारे बेटे ने चोरी कर दी, तुम्हारे बेटे ने मटकी फोड़ दी, तुम्हारे बेटे ने ये कर दिया। लेकिन इसके बावजूद उनका प्रेम घटने की बजाय और बढ़ता गया। तुम्हें पता है मैं एक बार गैया चराकर घर थोड़ी देर से लौटा, उस दिन यशोदा मैया मुझे हृदय से लगाकर रोने लग गई। वो कहती है कन्हैया तू देर मत किया कर, तू देर करता है ना मेरा कलेजा अपनी जगह छोड़ देता है, तू जल्दी आ जाया कर, आज मुझे कितना समय हो गया है मैं घर नहीं लौटा। वो कैसे रह रही होगी मेरे बिना? भगवान कहते हैं उद्धव नंद बाबा जैसे बाबा युगो युगो तक नहीं मिलेंगे। अरे मेरे बाबा जानबूझ के जूतियां नहीं पहनते थे और घर के बाहर जाकर खड़े हो जाते, क्यों? उन्हें पता था अब कृष्ण उनकी जूतियां सर पर लेकर आएगा और आकर कहेगा बाबा आपने जूतियां नहीं पहनी, मैया डांटेगी ना, जल्दी से पहन लो। और मैं अपने हाथों से उनको जूतियां पहनाता था। मैं दावे के साथ कहता हूं जिस दिन से मैं यहां आया हूं ना मेरे बाबा ने जूतियां नहीं पहनी। भगवान कहते अरे उससे ज्यादा दुख मैंने उन भोली भाली गोपियों को दिया है। एक बार यशोदा मैया ने मुझसे कहा कन्हैया तू उनके घर चोरी करता है, वो बहुत गरीब है, अरे वो जो माखन बेचती है उससे जो पैसे आते हैं वो उसी से तो भोजन करती है, तू उनकी मटकियां फोड़ देता है वो भोजन क्या करेगी। मैं कई दिनों तक उनके घर चोरी करने नहीं गया, कुछ दिनों बाद सबकी सब मेरे घर आ गई। आकर कहती यशोदा कन्हैया सिर्फ तेरा बेटा है क्या, हमारा कुछ नहीं, मटकियां फोड़ता है फोड़ने दो, चोरी करता है करने दो, पर असल में गरीब हम उस दिन हो जाएंगे जिस दिन कन्हैया हमारे घर आना छोड़ देगा। अरे भोजन तो हम उस दिन नहीं करते जिस दिन वो घर पर चोरी करने नहीं आता। भगवान कहते उससे भी ज्यादा दुख मैंने अपनी राधे को दिया है। भगवान कितनी देर तक राधे 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 कहकर रोने लगे। सोचिए यहां कितने भक्त हैं मुझे जिनके आंखों में आंसू दिख रहे हैं, जिसमें मैं कह रही हूं ये बात। सोचिए भगवान अगर रोते रोते कह रहे हैं ये सारी बात, उद्धव जी पे इतना सा असर नहीं हुआ, इतना सा भी असर। उद्धव जी कहते भगवान इसमें रोने की क्या बात है, आप उन अनपढ़ गवार ब्रजवासियों को ज्ञान से समझा सकते थे। अनपढ़ गवार, भगवान कहते तुम्हें कैसे पता वो अनपढ़ गवार है? अब वो कहां गुरुकुल गए होंगे भगवान, वो तो दूध दही माखन बेचते थे। भगवान कहते ऐसे तो मैं भी एक ही वर्ष गया, एक वर्ष में कोई कितना सीख लेता है। एक वर्ष आपको अगर विद्यालय भेजा जाए एक क्लास पढ़ने के लिए, आप सीख लेंगे, ज्ञान प्राप्त हो गया आपको, किसी को नहीं हो सकता। भगवान ने कहा मैं भी तो एक ही वर्ष गया, मैंने क्या सीख लिया। उद्धव जी कहते अरे आपसे तो ज्ञान की शुरुआत है, आपको ज्ञान की जरूरत ही कहां है। भगवान समझ गए जिस मौके का भगवान इतने समय से इंतजार कर रहे थे वो मौका आ गया। भगवान ने कहा सही कहा, मैं समझा ना सका उन्हें, तुम जाओ, तुम ब्रज जाओ, नंद बाबा से मिलो, यशोदा मैया से मिलो और गोपियों से मिलो और उन्हें समझाओ कि रोना धोना छोड़े ज्ञान मार्ग पर चले। अब उद्धव जी को अपने ज्ञान पर इतना भरोसा है, वो कहते ठीक है चला जाऊंगा मैं।
अब भगवान उन्हें अपने कपड़े दे रहे हैं, अपना पीताम्बर देते हैं, मुकुट देते हैं, कुंडल देते हैं। उद्धव जी ने कहा इसकी क्या जरूरत, बोले इसके बिना बात करना तो दूर, कोई तुम्हें देखेगा भी नहीं, इसको देखकर एक बार के लिए उनको लगेगा मैं आ गया। क्योंकि जैसा मैंने कहा रूप रंग में उद्धव जी भगवान जैसे दिखते थे, एक बार के लिए उनको लगेगा कि मैं आ गया, तो वो शायद अपने नेत्र ऊपर करेंगे। ठीक है, उद्धव जी जाते हैं, रास्ते में सोच रहे हैं कि किसकी विरह वेदना, विरह वेदना मतलब दूर रहने की तकलीफ, विरह वेदना यानी कितनी तकलीफ हो सकती है, तो रिश्ता अनुसार समझ रहे हैं कि माता पिता को कितनी तकलीफ हुई होगी, गोपियों को कितनी हुई होगी और किसको कैसे समझाना है। पहुंचते हैं ब्रज, पहुंच गए, एक गोपी से पूछते हैं कि भाई ये नंद बाबा का घर कौन सा है। गोपी ने कहा मथुरा से आए हो, तुम्हें कैसे पता। बोले मथुरा वासी पूछते नंद बाबा का घर कौन सा है, वरना पूरे वृंदावन को पता है, क्योंकि नंद बाबा यानी कृष्ण का घर, और वो घर कौन नहीं जानेगा कहाँ है। बोले नीचे ये जो जल जा रहा है ना, जल की धारा, इसके साथ साथ जाओ, ये जहां जाकर रुकेगा वो नंद बाबा का घर है। लेकिन गोपियां कहती है इस जल को साधारण जल मत समझना, ये जब से तुम मथुरावासी हमारे कृष्ण को लेकर गए हो ना, तो नंद बाबा और यशोदा मैया के जो अश्रु जल बह रहे हैं ये वो जल है। तुम सब कुछ लेकर चले गए हमसे, क्या लेने आए हो। उद्धव जी जाते हैं घर पर, पहुंचते हैं, आवाज लगाते हैं नंद बाबा, ओ नंद राय जी। एक साधारण सी आवाज आती है किसी की, कौन, मैं उद्धव हूं, कृष्ण का मित्र, उसका संदेश लेकर आया हूं। एक साधारण सा दुबला पतला शरीर व्यक्ति बाहर आता है, झुर्रियां पड़ गई है, आंखें अंदर तक धसी हुई, कांपती हुई आवाज, कहो मैं नंद राय। ठाकुर जी ने जो हुलिया बताया था नंद बाबा का, उससे इतना भी वो मेल नहीं खा रहा है। ठीक है प्रेम को इतना माने नहीं माने, लेकिन वो है तो एक समय भगवान के पिता। तो उद्धव जी चरणों को छूते हैं, माफ करना बाबा मैंने आपको पहचाना नहीं। अंदर बैठाते हैं, बैठो थक गए होगे ना, मैं भोजन लेकर आता हूँ, लेकर आता हूँ, घर पर नहीं है। अब नंद बाबा गए हैं तो रसोई घर की ओर उद्धव जी देख रहे हैं, रसोई घर में जाले पड़ गए हैं, मानो जब से कृष्ण गया है उस घर में खाना नहीं बना। भोजन करवाते हैं, अब कुछ कहे इससे पहले यशोदा मैया आती, अरे किससे बातें कर रही हो। उद्धव जी को देखकर एक बार दौड़ती है, कन्हैया तू आ गया। नंद बाबा कहते कन्हैया नहीं है, उसका मित्र है, संदेश लेकर आया है, संदेश लेकर आया है।